चलिए सुनते हैं अनाथ लड़की मुंशी प्रेमचंद की कहानी। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी रहूँगी। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा, माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी, यह सुनकर उनकी आंखें भर आई। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को भी पिघला सकता था। बेकसी और यतीमी को इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में ना जाने क्या अरमान होंगे, और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे बाप ने दिया है। वह अपने बाप के साथ मदरसे आती होंगी, उनके साथ मेलों में जाती होंगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। यह बातें सुन सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरा बाप होता। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुँचा दूँ। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आँखें खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद के कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीज़ें खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई और खामोश हो गई। उसने इतनी चीज़ें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुँचे और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाज़ा बंद था, उसकी माँ किसी ग्राहक के कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफों को उलटना पलटना शुरू कर दिया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़ियाँ जरा दबाने से चूँचू करने लगती और रोहिणी यह प्यारा संगीत सुनकर के फूली ना समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों के कई बंडल थे, लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसे उन चीज़ों को पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उनमें ऐसे फूल कहाँ हैं? ऐसी गुड़िया उसने कभी देखी भी नहीं होगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और वह अपनी मोहिनी आवाज़ में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्यों का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मिणी कपड़ों की एक पोटली लिए आती हुई दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर के छलांग भरी और उसके पैरों में लिपट गई। रुक्मिणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी। गुप्त चिंता का सजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा, जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और ज़िंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया, बोली, आज तो इतनी देर कहाँ रही, मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हुमक कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी, वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ, वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुँचते ही रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों तुम मेरे बाप हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ तुम मेरी प्यारी बेटी हो।
रोहिणी ने उसे मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे। सेठ जी ने उसे बाल सुलझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा, मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजूँगा। रोहिणी कुछ उदास हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाज़ा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में डाल दिए कि कहीं सेठ जी की निगाह उन पर ना पड़ जाए। यह स्वाभिमान स्त्रियों की खास अपनी चीज़ है। रुक्मिणी अब इसी सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी खातिर क्या तवज्जो करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था, उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था, वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी, वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसका घर भी उसके कदमों से रोशन होगा, लेकिन आज जब वह शुभ दिन संयोग से आया तो वह इस काबिल भी नहीं है कि उन्हें बैठने के लिए एक मोढ़ा दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं है। वह अपने आंसुओं को किसी तरह रोक ना सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वारे से घंटे और नगाड़े की आवाज़ें आने लगी तो उन्होंने जरा ऊंची आवाज़ में कहा, बाई जी अब मैं जाता हूँ, मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है, मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ़ ना हो, मुझे जब मौका मिलेगा उसे देखने आऊँगा, उसके पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसे हर खुशी से पूरा करूँगा, उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करो, मैंने उसका वजीफ़ा बांध दिया है और यह उसकी पहली किश्त है। यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मिणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसका जी बरबस चाहता था कि उसके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज़ उसके मन में आई थी। जब सेठ जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है, ईश्वर आपको इसका बदला दे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी सजधज आंखों में खूबी जाती थी। उस्तानियों ने भारी भारी प्यार किया और उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीज़ को आश्चर्य से देखती और ललचाती थी। अच्छे कपड़ों से कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता है। आज रोहिणी वह गरीब लड़की ना रही जो दूसरों की तरफ विवश नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया से शैशवोचित गर्व और चंचलता टपकती थी और उसकी जबान एकदम के लिए भी ना रुकती थी। कभी मोटर की तेज़ी का जिक्र था, कभी बाज़ार की दिलचस्पियों का बयान, कभी अपनी गुड़ियों के कुशल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तान। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। एक महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपये रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियाँ एक ही दर्जे के साथ साथ पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उसकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में पैर रखा, जबकि बचपन की भूली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर खमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उसमें एक एकाग्रता थी, ऊंचे इरादों से पैदा होती है। स्त्रियोचित उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जाती थी। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था।
अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की इस शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बम्बई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को एक दम के लिए भी चैन ना था। यह पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, कांट छांट में वह भवन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया जैसे वह उनकी बेटी है। वह उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपक पड़ता था। इस जलसे के लिए ठीक समंदर के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी। गोया वह भी इस खुशी में शरीक थी। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की है जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की है, जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश की स्त्रियों में ऐसे रतन मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लाए। हालांकि वह बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा पहुँची थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गई। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हाथों पर। कुछ मनचले लोगों ने शामियाने की रस्सियां पकड़ी और उन पर जा लटके। कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं कुर्सियां उल्टी। कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई नीचे। ज़्यादा तेज लोगों में धौल धप्पा होने लगा। तब बीन की सुहानी आवाज़ें आने लगी। रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीला राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वह नशा सा पैदा कर रही थी जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल की बुराइयों को मिटाता है और उससे ज़िंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगारें पैदा हो जाती हैं। गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज़ ना आई। वहीं ताने कानों में अब तक गूंज रही थी। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए। तब नरोत्तम दास कुछ लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यूँ दोस्तों की मंडली में उनकी वक्तृत्वता के आवेग और प्रवाह की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनसे बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त आया। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरों के गले में कौन डाले। प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की और नज़र दौड़ाई। चुनने वाली आंख रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था। वह सर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आँखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को ना जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा, तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब नहीं दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। सातवें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को ना रोक सकी।
नरोत्तम दास भी साथ आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे यह तो ख्याल ही ना रहा। रोहिणी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है, तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जो इन शब्दों में ना छिप सकी। अच्छा, मैं ही चला जाऊँगा। वह इस फिक्र में थे कि देखें विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वह खूब जी भरकर अपना दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उस लाज संकोच को जो उदासीन तक के पर्दे में छिपी हुई है मिटा देंगे। रुक्मिणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी कि लड़की इतनी सयानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा। कई जगह से बात आई, उनमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने थे, लेकिन जब रुक्मिणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेज दी तो वे सही जवाब देते कि मैं तो खुद फिक्र में हूँ। रुक्मिणी को उनकी यह टालमटोल बुरी मालूम होती थी। रोहिणी को बंबई से लौटे महीना भर हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बंबई में देखा है मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर ना सुला सकूँ लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आँखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ के मुँह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथों से बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि से वह रोहिणी के योग्य है। तुम जैसे चाहे अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्दी देना और ज़्यादा क्या लिखूँ। नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें जिनका सिलसिला बंबई से पूना तक नहीं टूटा था कानों में गूंजने लगी। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन, शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम। पाठशाला के दारों दीवार मुस्कुरा रहे हैं और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समाता। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूर्व की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगलाचरण का सुहाना राग उस रूपाली चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंकों में लहरें मारने लगा। दूल्हा आया, उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। वह नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहिणी की माँ उसे माँ अपने को ना रोक सकी, उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैरों पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ, खुशबू की लपेटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दुल्हा और दुल्हन में आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जबानों से कहे। विवाह की वह मुबारक जंजीर गले में पड़ी जिसमें वजन है, सख्ती है, पाबंदियां हैं, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने की मजलिस का दौर आया। मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थककर चूर हो गए थे। जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई।